नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष। मैं हूं श्वेता सिंह। सियाचिन के शेर लांस नायक हनुमंतप्पा मौत से दो दो हाथ कर रहे हैं। जिस सियाचिन में वो मौत की बर्फ के नीचे 6 दिन तक दबे रहे, उस ग्राउंड जीरो तक आज तक पहुंचा। आज तक ने देखा कि कैसे वहां हालात बेहद मुश्किल हैं। सेना के जवानों ने किन दुर्गम परिस्थितियों में बचाव का काम किया होगा। हजार फीट की ऊंचाई पर तिरंगा, उस तिरंगे की बुलंदी को बरकरार रखने में जुटे हिंद देश के योद्धा। -50 डिग्री के लुढ़के हुए पारे में यहां ठंड भी पनाह मांगती है। यहीं पर वतन की हिफाजत के लिए जी जान से जुटे थे हनुमंतप्पा कुमांद, जो मौत को मात देकर यहां से निकले। यह हिंदुस्तानी सीमा का वजूद है, गुरूर है, गुमान है। ये सियाचिन है जहां सबसे पहले पहुंचा आज तक, बिल्कुल ग्राउंड जीरो पर आज तक। आज तक इस समय एडवांस नाइट हेलीकॉप्टर आर्मी के स्पेशल हेलीकॉप्टर के अंदर है और अभी हम हमारा सफर शुरू कर रहे हैं सियाचिन की तरफ। जी हाँ, हमने देखा इतनी बड़ी दुर्घटना हुई, हम यहाँ आए हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से को कवर करने के लिए। क्या होता है सियाचिन, क्या तकलीफें होती हैं और उन तकलीफों से निपटने के लिए हमारी सेना क्या और कैसे करती है। तीन फरवरी को सियाचिन के एक पोस्ट पर बर्फीले पहाड़ की एक मोटी दीवार गिरी थी। वो मौत की दीवार थी जिसमें सरहद की हिफाजत में जुटे नौजवानों ने शहादत दी और एक जांबाज हनुमंतप्पा मौत से जूझ रहा है। फर्स्टली दिस वाजंट एन एवलांच, इट वाज अ स्नो वॉल दैट ब्रोक ऑफ फ्रॉम द बना हिल फीचर एंड इट स्लाइडेड एंड फेल ऑन द सोनम पोस्ट। The dimensions of this snow wall was 1000 meters by approximately 800 meters. आर्मी के उस स्पेशल दस्ते के साथ हेलीकॉप्टर पर आज तक की टीम भी सवार थी, जो सियाचिन के उस पोस्ट पर पहुंचने वाली थी जहां 10 जवान बर्फ में दब गए थे। लेकिन मौसम कितना खराब था इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि आज तक संवाददाता जुगल पुरोहित को ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए पहले दवा खिलाई गई। ऑक्सीजन की कमी ना हो इसके लिए ऑक्सीजन मास्क लगाया गया और -50 डिग्री के पारे से लड़ने के लिए स्पेशल दस्ताने पहनाए गए। द हाइट ऑफ सोनम पोस्ट इज अप्रोक्सीमेटली 20,000 फीट, टू बी प्रिसाइज इज 19,600 फीट। Now in that altitude, the atmosphere is extremely rare. Right. Oxygen content is absolutely minimal. In fact, even if you walk for 5-10 meters, you will go out of breath. The temperatures there go below -50 degrees by evening. During the day, they are -25 to -30 degrees. If you have a wind blowing, then it leads to a wind chill factor, where the temperatures further reduce by 5-10 degrees. You have blizzards there, then you have whiteout conditions where during these two periods you just cannot do any work outside your tent. आसान नहीं है इस सियाचिन की दुर्गम बर्फीली पहाड़ियों के ऊपर उड़ना। कैसे सेना ने ऐसे मुश्किल हालात में वतन की हिफाजत का बीड़ा उठाया है आप इसका अंदाजा भर लगा सकते हैं। आगे हम आपको दिखाएंगे कि कैसे वतन पर निसार होने का हौसला लिए घूमने वाले जाबाजों पर बर्फ का एक पहाड़ टूटा और 9 बहादुर जिंदगियां मौत में तब्दील हो गई।
हम आपको ये भी बताएंगे कि ग्राउंड जीरो पर कैसे जाबाजों की जान बचाने के लिए सेना ने आखिरी दम तक हौसला नहीं छोड़ा और कैसे मौत के मुंह से लांस नायक हनुमान थप्पा को खींच कर निकाला गया। समय हमारा जहाज खारदुंगला पास, जो कि दुनिया विश्व का सबसे ऊंचा रोड माना जाता है, 18,500 फीट की ऊंचाई पे उसके ऊपर हम उड़ रहे हैं। आपको बताना चाहूंगा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ज्योग्राफिकल लोकेशन पे हम लोग आ रहे हैं। यहाँ पर काराकोरम रेंज जो हिमालय से निकलती है और सालतोरो रेंज जो कि हिमालय से निकलती है, ये दोनों एक तरह से एक साथ उनका संगम होता है, जिनके ऊपर सियाचिन ग्लेशियर बैठता है। आपको बता दूं, इस तरफ जहां आपको कैमरा दिखा रहा है, कहीं कुछ ही दूर यहां से पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का बॉर्डर लगता है, और इस तरफ मेरे लेफ्ट साइड में जहां के आपको मेरे कैमरा पर्सन जहां के शॉट्स दिखाएंगे, यहां पर चाइना और भारत का बॉर्डर लगता है। ये जानना बहुत ज़रूरी है हमारे दर्शकों के लिए कि हिंदुस्तान के बहुत ही बड़े लैंड बॉर्डर में शायद एक ही ऐसा इलाका है जहां चाइना और पाकिस्तान का बॉर्डर एक साथ भारत के सामने आता है। ये सब बेहद मुश्किल है, लेकिन कहीं सफेद तो कहीं मटमैले हो चुके बर्फीले पहाड़ों के बीच इन मुश्किलों का मुकाबला हंसकर करने वाले जाबाजों की हकीकत देखकर लौटा है आज तक। यहाँ जिंदगी भी सकुचा कर निकलना चाहती है, लेकिन आज तक ने देखा कि हमारे जवानों का हौसला देखकर यहाँ मौत भी भीगी बिल्ली बन जाती है। जुगल पुरोहित, सियाचिन, आज तक। 3 फरवरी की सुबह ही सेना को यह आहट लग गई थी कि सियाचिन के सोनम पोस्ट पर गश्त पर गए जवानों का कोई अता पता नहीं है। थोड़ी देर बाद साफ हो गया कि बहुत बड़ी अनहोनी हो गई है। आज तक सियाचिन तक पहुंचा और आपके लिए मुकम्मल खबर लाया है कि कैसे 6 दिन में सेना ने अपने 10 जवानों को खोजा। बर्फ के इस समंदर में जिंदगी तो हमेशा से अपने सिर पर कफन बांधकर चलती है। 2 और 3 फरवरी की दरमियानी रात भी यहां 14 कोर कमांड के 10 जवान सरहद की हिफाजत में निगहबान बने घूम रहे थे। -50 डिग्री के पारे में भी इनकी नजर दुश्मनों पर गड़ी थी, लेकिन दुश्मन तो यहां कुदरत बनी बैठी। बर्फ की एक दीवार गिरी और इसमें सभी 10 जवान दब गए। अभी ठीक से सवेरा हुआ भी नहीं था कि कैंप में बेचैनी मचने लगी। We came to know about the incident in the early hours of 3rd February. To be precise, we have a procedure where early in the morning, around between 0500 hours to 0530 hours, we make calls to all posts and find out if all is well. Right. When we didn't get a response at 0515 hours, the nearest post is Kaziranga, which is 2 hours away from the Sonam post. A party from there went to identify as to what has happened in Sonam post. And then we realized that a wall has broken and slided and fell on the Sonam post. गश्त पर जाने वाले जवान सुबह होने से पहले बेस कैंप में वायरलेस से रिपोर्ट देते हैं। 3 फरवरी की सुबह 5:30 बजे तक कोई रिपोर्ट नहीं आई तो साथी जवानों को चिंता सताने लगी। आज तक की टीम जब सीधे सियाचिन पहुंची तो सेना से हमें उस रात और सुबह की पल पल की जानकारी मिली। ये तस्वीरें जो आपको नजर आ रही है, ये सियाचिन ग्लेशियर की है। आपकी समझ के लिए बता दें कि ग्लेशियर जिसे कहते हैं वो क्या चीज है। ग्लेशियर बर्फ की एक बड़ी विशाल सी एक बॉडी है जो कि काराकोरम पहाड़ों की रेंज और सालतोरो पहाड़ों की रेंज, इन पहाड़ों की रेंज में जमे हुए बर्फ का एक विशाल सागर, उसे ग्लेशियर कहते हैं। जैसे ही किसी अनहोनी की आहट मिली, सबसे पहले करीबी पोस्ट पर तैनात जवानों को घटना स्थल की तरफ भेज दिया गया। यह सब वाकई आसान नहीं था।
चीता, चेतक और ध्रुव जैसे सेना के हेलीकॉप्टर अचानक सियाचिन के उस पोस्ट का चक्कर लगाने लगे। 6 दिन में इन्होंने कम से कम 300 चक्कर लगाए। बचाव के लिए आनन फानन में 220 जवानों को भेजा गया, जिनमें से 30 जवानों को ऐसे बचाव कार्य में महारत हासिल है। डॉक्टरों और खोजी कुत्तों को तुरंत काम पर लगाया गया। बर्फ काटने वाली मशीनें भी भेजी गईं, साथ ही थर्मल इमेजर और डीप पेनिट्रेटर रडार भी तैनात किए गए। ये वो रडार हैं जिसे पठानकोट में आतंकियों को ढूंढने के लिए इस्तेमाल किया गया था और जो जमीन के अंदर 40 फीट तक की तस्वीर साफ साफ सामने ला सकते हैं। Once we identified the location, there were 5 to 6 locations which were identified using the latest technology in terms of radars, in terms of metal detectors, using the human intelligence, which is in fact the most important part of intelligence, and also the avalanche rescue dogs and the avalanche rescue teams along with them were also employed to carry out the digging. Okay. And we had to go more than 25 feet deep from the surface, where we were able to identify a telephone cable, which then led us to dig horizontally to more than 4 to 5 feet, where then we got onto the people who were buried inside. एक जवान का पता नहीं था, और पता चला कि वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। हनुमान थप्पा की सांसें बर्फ में 35 फीट नीचे भी चल रही थी। जुगल पुरोहित, सियाचिन, आज तक। 9 जवानों के शव तो एक जगह ही मिल गए थे, लेकिन एक जवान की सांसें बर्फ के 45 फीट नीचे चल रही थी। वो लांस नायक हनुमान थप्पा थे। हनुमान थप्पा को सोनम पोस्ट से सियाचिन बेस कैंप तक लाने वाले हेलीकॉप्टर के पायलट ने आज तक को बताया कि कैसे उन्होंने इस मुश्किल काम को अंजाम दिया। सियाचिन का सोनम पोस्ट। फीट की ऊंचाई, 19,600। मौसम इतना खराब कि 9 फरवरी को आज तक की टीम इस पोस्ट के ऊपर आसमान में सेना के साथ उड़ रही थी, लेकिन यहां उतरना मुमकिन नहीं था। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसे हालात में सेना के लिए यहां बचाव कार्य कितना मुश्किल रहा होगा। फिर भी 8 फरवरी को जैसे तैसे सेना का हेलीकॉप्टर यहां उतरा और हनुमान थप्पा को यहां से बाहर निकाला गया। उस हेलीकॉप्टर के पायलट ने आज तक को ये बताया कि कैसे हालात खराब थे, लेकिन उनका हौसला बुलंद था, इसीलिए वो हनुमान थप्पा की टूटती सांसों को बचाते हुए सियाचिन बेस कैंप तक ले आए। So once we were approaching the helipad, you see the size of the helipad is only about 3 to 4 meters. So it was quite difficult, and with the visibility being very poor, cloudy atmosphere, and as we were approaching the helipad, the snowflakes started to come up. So it was actually difficult, but then our training and our preparation for the sortie and the zeal to do this job and to save this precious life made Lance Nayak Hanuman Thappa. अब हम आपको बताते हैं कि हनुमान थप्पा बचे कैसे। बचाव के लिए ऑपरेशन के करीब 144 घंटे बीत जाने के बाद भी हनुमान का पता नहीं चल रहा था। कई जगहों पर बर्फ की 45 फीट तक खुदाई की जा चुकी थी, लेकिन एक स्नीफर डॉग बार बार जाकर एक ही जगह पर बैठ जाता था। जब यहां 4 फीट चौड़ी और 35 फीट गहरी खुदाई हुई तो हनुमान थप्पा जैसे तैसे सांस लेते दिखाई पड़े। इनफैक्ट वी वर एक्सट्रीमली लकी that one individual has survived. We are extremely grateful to the God. That individual, in spite of rough conditions, in spite of area having snowfall in the early hours of the morning, he was evacuated by our helicopter from there. हनुमान थप्पा 6 दिन तक मौत की बर्फ के नीचे दबे थे, लेकिन जिंदगी मेहरबान थी। वो आज दिल्ली के RR हॉस्पिटल में मौत को मात देने में जुटे हैं। जुगल पुरोहित, सियाचिन, आज तक। अभी वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे कि सियाचिन में शहीद हुए 9 जवानों का शव क्यों नहीं लाया जा रहा है। आप देखते रहिए विशेष। बर्फ की भयंकर दीवार गिरी और हमारे 9 जवानों की शहादत ले ली।
उनका शव तो मिल गया है, लेकिन आज तक ने सियाचिन तक जाकर देखा कि खराब मौसम कैसे उन शवों को उनके घर तक जाने में बाधक बने हुए हैं। मुश्किल हालात में लांस नायक हनुमान थप्पा कोमात को सियाचिन के सोनम बोस से दिल्ली के आर्मी अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया, लेकिन अपनी शहादत दे चुके सेना के नौ जवानों के शव अभी भी उसी पोस्ट पर रखे हुए हैं। उनके अंतिम संस्कार के लिए शव को उनके घर तक भेजना मुमकिन नहीं हो पा रहा। वजह खराब मौसम है, जिसके चलते वहां पर हेलीकॉप्टर का उतरना संभव नहीं है। As we speak now, the weather at Sangam post is extremely bad, so the air evacuation process cannot start immediately. As soon as the weather improves, we'll be able to carry out the air evacuation. हालात इतने बदतर हैं कि आप यहां ठीक से सांस भी नहीं ले सकते, चार कदम आगे कुछ दिखता नहीं। आज तक की टीम इसकी गवाह बनकर लौटी है, लेकिन सेना का हौसला कायम है और प्रयास जारी। सियाचिन के इस सफर में हमने शुरुआत की समुद्री तट की ऊंचाई से और आखिर में 21,000 फीट से भी ज्यादा ऊंचाई से उड़कर अब हम फिर नीचे आ गए हैं। इतना बिल्कुल कहा जा सकता है कि सियाचिन ऐसी जगह है जहां हमें होना तो नहीं चाहिए, लेकिन हमारी जो स्थिति है और आस पड़ोस के जो मुल्क है और हमारा जो इतिहास रहा है, उसके कारण ये जरूर कहा जा सकता है कि वहाँ पर ना रहना भी नुकसानदायक होगा। कैमरा पर्सन विनोद कुमार के साथ जुगल पुरोहित, ले से आज तक। विशेष में इतना ही, देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। छह दिन बाद बर्फ के नीचे से जिंदा बचे लांस नायक को, हनुमान थप्पा को दिल्ली लाया जा रहा है। C-17 विशेष विमान से दिल्ली लाया जा रहा है और यहां पर केजरीवाल मोटर चली पम पम पम।